जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ अलियास खरादिया साहब मौजूद हैं। पंजाब से इनका तल्लक है और अरसा तकरीबन 26-27 साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। इनकी जबानी जानते हैं कि हवेली कोटा में किन मसाइल का सामना ये कर रहे हैं। जी सर, इतना अरसा है हवेली में बिजली ठीक नहीं अभी तक हो सकी। ये ग्रिड टेंशन बहुत जरूरी है, कभी हैदराबाद बंद हो जाता है तो ये चलता है तो वो बंद हो जाती बिजली, बिजली मिलती ही नहीं है। अगर वो चलती तो हम काम ही नहीं कर सकते, हफ्ता हफ्ता बिल्कुल फर्क बैठे होते हैं। तो हैदराबाद चलता है तो वो बिजली स्टोर ही नहीं करता। अगर ग्रिड स्टेशन बना हो ना तो ये दिक्कत ना होगा हवेली को, कितना अरसा हुआ जिला बने हुए लेकिन इधर ग्रिड स्टेशन ही बना सके कोई भी। बिजली बंद होने के स्वरूप में एक एस्काम सर्विस बिल्कुल डेड हो जाती है ना, इसका नेटवर्क है वो केबल चलाई इन्होंने फाइबर केबल, उसका भी नेटवर्क अच्छा नहीं है। तो हम तो पंजाब कॉल करनी होती तो वो कॉल होती ही नहीं, पहली बात है। अगर हो तो वो डेड हो जाती साथ ही। तुसी अगर पंजाबी जबान च रबाबे अख्तियार को गल आखना चाहो तो किवें आखोगे? कम से कम इसका नेटवर्क तो ठीक होना चाहिए ना केबल का।